डेली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर आनी अमची मुंबई, क्या आप इन शहरों की एक कॉमन खासियत बता सकते हो? ऑल ऑफ दिस प्लेसेस ये सब के सब मेट्रो सिटीज में मोड़ते हैं। और भाई जरा सोचो ना, अगर इन शहरों में मेट्रो नहीं होता तो क्या हाल होता इन शहरों का और उसके लाइफस्टाइल का। सो ये मेट्रो सिस्टम हमारे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट तब भी इसके साथ बहुत से सवाल भी आते हैं। इसका शुरुआत कब से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये दुनिया का पहला मेट्रो सिस्टम कैसे बना था। ये बहुत पहले की बात है, समय था 1863 का, द एंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और लंदन में अब तक कोई सबवे सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और पूरा लंदन शहर इस अजूबे को विटनेस करने के लिए उतावले हो रहे थे। शहर के नीचे से एक टनल खोदना और उस पर एक रेल रोड शुरू करना उस वक्त एक सपनों का प्रोजेक्ट था, और अगर कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट हो तो लोगों के चर्चे और गॉसिप्स आड़े आना नॉर्मल सी बात थी। और वैसे ही ये प्रोजेक्ट भी शहर के चर्चे का कारण बना, और यहाँ तक कि एक लोकल मिनिस्टर ने रेलवे कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट ही दर्ज किया था कि ये लोग सीधा नरक के लिए रास्ता बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये वेस्ट ऑफ मनी वाला सपना है, जहाँ ये प्रोजेक्ट का एक्सपेंस ही अराउंड 700 से 800 मिलियन डॉलर तक जा रहा था, और वो भी आज के करंट प्राइसिंग के हिसाब से, तो इस प्रोजेक्ट का पूरा होना तो डाउटफुल था। बट इट डिड वर्क, और ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हुआ। 10 जनवरी 1863 करीबन 30,000 लोग एक अंडरग्राउंड टूर के लिए जमे हुए थे, ताकि वो दुनिया का सबसे पहले सबवे सिस्टम में ट्रैवल कर सके, जो एक 6 किलोमीटर तक का लंबा रेल लाइन था। 3 साल तक का कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन पीरियड और कुछ रुकावटों के बाद द मेट्रोपॉलिटन रेलवे वॉज रेडी फॉर बिजनेस। ये तभी के सिटी ऑफिशियल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा हेल्प था, क्योंकि वो भी शहर के ट्रैफिक और गर्दी से तंग आ गए थे और एक सोल्यूशन को ढूंढने के लिए डेस्परेट थे। इस प्रोजेक्ट का पूरा श्रेय जाता है टू द विक्टोरियन विजनरी चार्ल्स पियर्सन। ये वो इंसान थे जिसके दिमाग में ये आइडिया पहला क्लिक हुआ था कि इन रेलवे लाइंस को अंडरग्राउंड भी डाला जा सकता है। उन्हें इस आइडिया को कन्विंस कराते 10 साल गुजर गए थे, क्योंकि ओपोनेंट्स का मानना था कि ये एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, और उस जमाने के रेल रोड्स में बस कुछ टनल्स हुआ करते थे जब उन्हें कोई पहाड़ को पार करना होता था, तो ये शहर के नीचे से एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था। तो इस समस्या का सोल्यूशन था एक सिंपल सिस्टम जिसका नाम था कट एंड कवर। वर्कर्स को पहले एक बहुत बड़े खड्डे को खोदना पड़ता, फिर एक टनल को ईंटों से स्ट्रक्चर देना पड़ता, और फिर वापस उस खड्डे को रिफिल करना पड़ता ओवर द न्यूली बिल्ट टनल। और क्योंकि ये एक डिसरप्टिव मेथड था, तो ये टनल्स के ऊपर के बिल्डिंग्स को गिराना अवश्य था, बट इसमें भी ज्यादातर समय ये टनल्स एग्जिस्टिंग रोड्स के नीचे ही बनाए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना रिस्की काम, और वो भी उस जमाने में, क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते होंगे? ऑफ कोर्स देयर वेयर एक्सीडेंट्स, लाइक एक बार तो जोरदार बारिश की वजह से शहर में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था और ये टनल्स भर गए थे, जो ये प्रोजेक्ट को करीबन 9 से 10 महीने तक लंबा खींचा था। बट जैसे ही ये मेट्रोपॉलिटन रेल सर्विस शुरू हुआ, लाखों लोग इसे एक्सपीरियंस करने के लिए रश कर रहे थे। ये मेट्रोपॉलिटन सर्विस जल्द ही लंदन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। आगे जाके ऐसे ही और भी एडिशनल रेल लाइंस बनाए गए थे, और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉप स्टेशन से कुछ दूर ही बनाए जाने लगे। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से शहर में बहुत से नए डेवलपमेंट्स होने लग गए थे, यहाँ तक कि रेल कंपनी ने अपने खुद के टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी खड़े करने लगे। लाइक वो अर्ल्स कोर्ट में एक 30 माले का जायंट फेरिस व्हील बनाया गया, ताकि वो टूरिस्ट को ट्रेन से यहाँ इस स्पॉट पर ला सके। और देखते ही देखते बस 30 साल के अंदर लंदन का सबवे ऑलमोस्ट अराउंड 80 किलोमीटर कवर करता था। बट लंदन अब भी ग्रो कर रहा था, और सभी नजदीकी शहरों को इस सिस्टम से कनेक्ट होना था। 1880s के चलते ये सिटी इतना डेंस हो गया था कि हर जगह बस बिल्डिंग्स, नाले और इलेक्ट्रिक केबल्स ही दिखते थे, और इस दौरान कट और कवर टेक्निक यूज करना बहुत ही मुश्किल था। सो यहाँ एक नया सिस्टम को अपनाना जरूरी था, और ये मेथड था यूजिंग अ मशीन जिसे ग्रेट हेड शील्ड के नाम से बुलाया जाता था, जिसमें 12 वर्कर्स की एक टीम जमीन को खोद के बहुत डीप अंडरग्राउंड टनल्स बनाते थे। ये अंडरग्राउंड लाइन जिसे ट्यूब्स कहते थे, वो अलग अलग डेप्थ पर बनाया जाता था, बट यूजुअली 25 मीटर से ज्यादा डीप हुआ करता था फ्रॉम द कट एंड कवर लाइन। इसका मतलब यह था कि इस कंस्ट्रक्शन के वजह से सरफेस को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था, और बड़े बिल्डिंग्स के नीचे खोदना भी पॉसिबल था। सबसे पहले इस ट्यूबलाइन को खोला गया था 1890 में फ्रॉम लंदन सिटी टू साउथ लंदन। ये इतना सक्सेसफुल था कि अगले 20 साल के अंदर करीब और डजन भर लाइंस को खोदे गए थे, और इस ब्रिलियंट नई टेक्नोलॉजी को इवन लंदन की थेम्स नदी के नीचे से भी बहुत से ट्यूबलाइंस बनाने के लिए यूज किए गए थे। और अर्ली 20th सेंचुरी तक पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क और बुडापेस्ट सब ने अपने खुद के सबवे सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर दिए थे, और आज करीबन 55 देश और 160 से भी ज्यादा सिटीज इन अंडरग्राउंड रेल्स को यूज कर रहे हैं, ताकि वो कंजेशन से लड़ सके।
हम इसके लिए हमेशा हमारे चार्ल्स भाई का शुक्रगुजार रहेंगे और साथ ही मेट्रोपॉलिटन रेलवे जो इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन ढूंढने में भागीदार रहे थे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेट्रो की दास्तां पसंद आई हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे स्टोरीज ला पाऊं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बाय फ्रॉम टेक बाबा।